प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि बोर्ड द्वारा क्लास 10+2 मैथ्स का सैंपल पेपर जारी कर दिया गया है, यहां पे बताया गया है कि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा वो दो पार्ट में कंडक्ट होगा, पार्ट वन और पार्ट टू। तो अगर हम बात करें पार्ट वन की, तो पार्ट वन में हमारे पास पार्ट वन, इसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि आपको सोल्व करने हैं, और पार्ट टू का जो पेपर है, पार्ट टू होगा जो यहां पे पार्ट वन, पार्ट टू ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें एमसीक्यूज भी होंगे, वन वर्ड भी होंगे और ब्लैंक्स भी होंगे। आपकी जो परीक्षा का टाइम है वो दोपहर 12:30 से और 3 बजे तक है, यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट की आपकी परीक्षा है। इसमें जो आपको पार्ट टू का ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए जो आपको पेपर मिलेगा वो परीक्षा खत्म होने से 1 घंटा पहले मिलेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है पार्ट टू में, इसका जो क्वेश्चन पेपर है आपको परीक्षा खत्म होने से 1 घंटा पहले मिलेगा, यानी कि ये आपको 2 बजे मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटा होगा। इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को भी और सब्जेक्टिव को भी एक ही आंसर शीट पे आपको सोल्व करना है। आंसर शीट एक ही रहेगी दोनों की, लेकिन शुरू में आपको पार्ट वन यानी कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और जब परीक्षा का 1 घंटा रह जाएगा यानी कि जब 2 बज जाएंगे तो आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो दे दिया जाएगा, यानी कि इनको सोल्व करने के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, टाइम की मैनेजमेंट करनी है। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं पार्ट वन के पेपर की, जो हरियाणा बोर्ड ने सैंपल पेपर जारी किया है उसके पार्ट वन। पार्ट वन यानी कि सब्जेक्टिव टाइप पेपर के बारे में आज हम बात करेंगे, और इससे हमें जो फाइनल एग्जाम की तैयारी है उसमें काफी सहायता मिलेगी। यहां पे अगर हम बात करें पार्ट वन के क्वेश्चन पेपर की, तो पार्ट वन जो कि हमारा सब्जेक्टिव टाइप है, इसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन वन जिसको हम सेक्शन ए कहेंगे, इसी तरह से सेक्शन बी और सेक्शन सी। बात करें अगर सेक्शन ए की, इसमें हमारे पास 6 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के लिए, ये 6 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स ईच, तो टोटल हमारे पास 12 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से बात करें अगर सेक्शन बी की, तो इसमें 4 क्वेश्चन हो गए 4 मार्क्स के लिए, यानी कि टोटल हमारे पास 16 मार्क्स हो जाएंगे। और सेक्शन सी में हमारे पास 2 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के लिए, यानी कि 12 मार्क्स के लिए। यहां पे अगर इन मार्क्स का टोटल करें तो 40 मार्क्स हो जाएगा। और अगर हम ये हमारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का टोटल करें तो ये 12 हो जाएगा, 12 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स। जो 6 मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे आपके, इनके आपको ऑप्शन में भी यानी कि और में भी आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा, यानी कि दोनों में से कोई भी आप उनमें से एक कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं पार्ट वन का जो सैंपल पेपर है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो सैंपल पेपर में दिए हैं, ताकि आपको फाइनल एग्जाम की तैयारी में सहायता मिल सके। बात करें अगर सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए हैं। यहां पे हमारे पास सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन होंगे, तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेक्शन ए के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वाई इज इक्वल टू
टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन आपका इफ y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर फाइंड dy बाय dx। फाइंड dy बाय dx मींस इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो ये आपके पास 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे, यहां पे लिखा था इफ, तो अब हम इसको सॉल्यूशन फाइंड करें। अगर हम लिखेंगे कि गिवन y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें। एक तो तरीका हमारे पास ये है कि जो टेंजेंट इनवर्स के लिए डेरिवेटिव होता है टेंजेंट इनवर्स x का, पहले वो करेंगे, फिर अंदर जो पार्ट है उसके लिए करना पड़ेगा और उस पर हमें क्वेश्चन टूल अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन एक तरीका हो रहा है कि हम यहां सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। हमें पता है कि टेंजेंट 2a, टेंजेंट 2a ये होता है 2 टेंजेंट a डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। तो ये हम यहां पे यूज कर सकते हैं। अब आप देखो इसको अंदर वाले पार्ट को देखें तो ये कुछ इसी टाइप का है। तो हम क्या करते हैं, लेट ये पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट a, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट a डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। और अब हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स, ये वाला जो पार्ट है हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट 2a के। अब आप देखो ये टेंजेंट इनवर्स है और ये टेंजेंट है, तो हमारे पास कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 2a, हमारे पास रह गया 2a। 2a के लिए अब हमें इसको सोल्व करना है। अब देखो a की वैल्यू, टेंजेंट a की वैल्यू अगर x है तो a की वैल्यू कितनी होगी, टेंजेंट इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स x, a की वैल्यू रिप्लेस कर दी क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन तो विद रिस्पेक्ट टू x करना है ना, dy बाय dx कैलकुलेट करना है। अब यहां पे लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट ये आ जाएगा हमारे पास dy बाय dx। 2 तो कांस्टेंट है, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं कि dy बाय dx दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो सिंपल एक, वैसे भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसा ही ये क्वेश्चन लिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 2 की, यहां पे दिया गिवन है हमारे पास इफ y इज इक्वल टू a ई रेस टू पावर 3x प्लस b ई रेस टू पावर 2x देन शो दैट डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y दैट इज इक्वल टू 0। डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी कह देते हैं, मीन्स यहां पे इसका मीनिंग ये है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये हमें शो करना है। ये आपके पास अगेन डिफरेंशिएशन से एक क्वेश्चन आ जाता है। हमारे पास ये 5.7 एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन लिया गया है, तो हम इसको लिखे। अगर इसका सॉल्यूशन देखें, गिवन y इज इक्वल टू a ई रेस टू पावर 3x प्लस b ई रेस टू पावर 2x, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx भी निकालना पड़ेगा, d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy डिवाइड बाई डी एक्स, ये तो देखो कॉन्स्टेंट है, e रेस टू पावर 3x का यही होगा मल्टीप्लाइड बाई 3x का हो जाएगा 3 प्लस b कॉन्स्टेंट है e रेस टू पावर 2x का e रेस टू पावर 2x और 2x का हो जाएगा 2, तो dy बाई डी एक्स
ये हो गया 3a इरेज टू पावर 3x प्लस 2b इरेज टू पावर 2x, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब हम लिख देंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, एक बार फिर इसका डिफ्रेंशिएशन हम कर देते हैं। डीवाई बाई डी एक्स का क्या, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो 3a तो कांस्टेंट है, 3a ई रेस टू पावर 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव प्लस 2b कांस्टेंट है, ई रेस टू पावर 2x का ई रेस टू पावर 2x ही होगा, 2x का हमारे पास 2 बन जाएगा। तो यहां पे हमारे पास डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा 9a ई रेस टू पावर 3x प्लस 4b ई रेस टू पावर 2x, 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 9, और ये हमारे पास था ई रेस टू पावर 3x और ये 4 2b और ये 2 था, तो 2b की 2 के साथ की तो 4b ई रेस टू पावर 2x, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारे पास डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डीवाई बाय डी एक्स प्लस 6y। अब ये वैल्यू हम इसके अंदर यहां पे पुट कर देते हैं, डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ये दिया हमारे पास, ये है 9a ई रेस टू पावर 3x प्लस 4b ई रेस टू पावर 2x। ये हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 5 इंटू डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू 3a ई रेस टू पावर 3x प्लस 2b ई रेस टू पावर 2x प्लस 6 वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू है ए इरेस टू पावर 3x प्लस बी इरेस टू पावर 2x। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, यहां से हमारे पास 9a इरेस टू पावर 3x प्लस 4b इरेस टू पावर 2x, ये तो था ही, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के 15a इरेस टू पावर 3x माइनस के 10b इरेस टू पावर 2x प्लस 6a इरेस टू पावर 3x और प्लस 6b की रेस टू पावर 2x। अब a वाला एक तो ये है हमारे पास, एक ये है और एक ये है, सॉरी एक ये है। अब देखो 9a ई रेस टू पावर 3x और प्लस के 6a ई रेस टू पावर 3x, तो कितने हो जाएंगे 15a ई रेस टू पावर 3x और ये माइनस के 15a ई रेस टू पावर 3x, यानी कि ये और ये हम लिख सकते हैं कि 15a ई रेस टू पावर 3x माइनस 15a ई रेस टू पावर 3x। b वाले देखें 4b ई रेस टू पावर 2x और प्लस के 6b ई रेस टू पावर 2x, यानी कि 10b ई रेस टू पावर 2x और ये हमारे पास माइनस के 10b ई रेस टू पावर 2x, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। पहले विद्यार्थियों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, बस आपको क्या करना था, जो फंक्शन दिया हुआ, जो वाई की वैल्यू दी हुई है उसका डेरिवेटिव किया, फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव किया और इसमें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट कर दिया, सिंपली सोल्व किया तो अपने आप ही सारे कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है हमारे पास सोल्व द इक्वेशन। हमें इक्वेशन को सोल्व करना है और हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो है 2y/dx दैट इज इक्वल टू वाई कोट एक्स गिवन
एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, वाई इज इक्वल टू वन। तो सॉल्व द इक्वेशन, इनके डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये हमारे पास। डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और साथ में गिवन दी है एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, वाई इज इक्वल टू वन। ये किस लिए दिया हुआ है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है हमारे पास। अब आप देखें, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें हम, तो हमारे पास क्या गिवन है? गिवन डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू वाई कोट एक्स। मेरे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की, तो आपके पास तीन मेथड है। एक तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल 9.4 एक्सरसाइज, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन 9.5 एक्सरसाइज और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 9.6 एक्सरसाइज, जो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। तो 9.4 और 9.5 वेरिएबल सेपरेशन हम पहले कोशिश करेंगे, वेरिएबल सेपरेट हो उसके, एक्स की टर्म एक तरफ और वाई की टर्म एक तरफ। अब यहां से देखो ये पॉसिबल है, हम लिख सकते हैं कि डी वाई डिवाइड बाई वाई और ये हमारे पास हो गया कोट एक्स डी एक्स। वाई की टर्म एक तरफ और एक्स की टर्म एक तरफ। अब हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी वाई डिवाइड बाई वाई और ये कोट एक्स डी एक्स। अब हमें इनकी इंटीग्रल फाइंड करने हैं। अब आप देखें, ये 1/y है, यानी कि क्या हो जाएगा? लॉग y। आप बोर्ड में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, तो यहां पे हमने लिख दिया लॉग y। और इंटीग्रल कोट एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ साइन एक्स, क्योंकि कोट एक्स होता है कोस बाय साइन, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो ये लॉग ऑफ साइन एक्स। आप मोड एक्स लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, प्लस सी। अब हमारे पास क्या है? गिवन है, गिवन अगर ये बात ना कहता तो यही हमारा आंसर होता। अब यहां पे गिवन एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू एंड वाई इज इक्वल टू वन, तो इसमें पुट कर दे, ये हो जाएगा लॉग वन दैट इज इक्वल टू लॉग साइन पाई बाय टू प्लस सी। लॉग वन की वैल्यू होती है जीरो, साइन पाई बाय टू यानी कि साइन नाइनटी वन और लॉग वन भी हमारे पास जीरो प्लस सी। तो यहां से जब हमने वैल्यू निकाली तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। तो इसको इक्वेशन वन मानने, तो हम क्या लिख देंगे? नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन वन क्या आ जाएगा? लॉग वाई दैट इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। आप एक काम और कर सकते हैं, यहां पे आप चाहें तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि दोनों साइड में लोग एंटी लॉग ले लेते हैं, तो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म की बात करें, हमने सीखा है कि अगर ये टर्म लॉग में आई हुई है तो सी को भी हम लॉग में ले लेते हैं, तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस लॉग सी, सी की जगह पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए लॉग सी लिख ले। अब यहां पे देखें, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, क्या हो जाएगा? लॉग एम एन, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा लॉग सी साइन एक्स। और टेकिंग एंटी लॉग, तो ये लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो वाई इज इक्वल टू सी साइन एक्स। तो ये है हमारे पास सॉल्यूशन। एक फॉर्म ये भी आंसर की, एक फॉर्म ये आंसर की, एक फॉर्म ये है। अब देखो कंडीशन गिवन है कि x इज इक्वल टू पाई बाय टू और y इज इक्वल टू वन, रखो इसमें y की वैल्यू वन, c साइन पाई बाय टू वन, यानी कि वन इज इक्वल टू c या फिर c इज इक्वल टू वन। तो जो c की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू, c की जगह पर वन रखेंगे तो y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यहां से भी यही आंसर आया। तो जिस भी तरीके से आप करना चाहे कर सकते हैं। यहां पे ये बात ध्यान रखेंगे कि जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो बाकी की टर्म कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के अलावा अगर बाकी की टर्म लॉग में है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लॉग में ले लेते हैं। अगर टेंजेंट इनवर्स में है बाकी की टर्म, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी हम टेंजेंट इनवर्स में लेके फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो इससे हमारे पास और सिंप्लीफाइड फॉर्म आंसर की आ जाती है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर फोर की, तो इसमें कहा गया है द प्रोबेबिलिटी दैट ए बल्ब विल फ्यूज विद इन एन ईयर इज 0.05। द प्रोबेबिलिटी दैट ए बल्ब विल फ्यूज विद इन एन ईयर इज 0.05। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ थ्री बल्ब्स will fuse within the year। पहले बच्चों का आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया, यहां पे ये जो क्वेश्चन है वो 13.5 एक्सरसाइज से है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ये क्वेश्चन दे दिया गया। यहां पे कहा गया है द प्रोबेबिलिटी दैट ए बल्ब विल फ्यूज विद इन एन ईयर इज 0.05। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 बल्ब्स 3 विल फ्यूज। आउट ऑफ 5 यानी कि एन की वैल्यू कितनी है 5, 3 विल फ्यूज विद इन द ईयर, तो उनमें से 3 फ्यूज हो जाए विद इन द ईयर। इसके सॉल्यूशन की बात करें अगर हम, लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब विल फ्यूज विद इन एन ईयर दैट इज इक्वल टू, लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब विल फ्यूज विद इन एन ईयर, तो पी मान लिया हमने इसको, एंड क्यू बी द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब विल नॉट फ्यूज विद इन एन ईयर, यानी कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मानते हैं, क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मानते हैं। सक्सेस जिसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सक्सेस है। अब दिस इंप्लाइज यहां पे देखें पी की वैल्यू कितनी है 0.05, क्या वो किस बात की प्रोबेबिलिटी है उसके फ्यूज ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या वो क्या होगा 1 माइनस पी यानी कि 1 माइनस 0.05 ये आ जाएगा 0.95। तो ये हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, क्या वो की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो पी की आ गई प्रोबेबिलिटी, क्या वो की प्रोबेबिलिटी आ गई। आउट ऑफ कितने बल्ब में से बात हो रही है 5 में से, तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास n इज इक्वल टू 5, n की वैल्यू हमारे पास 5 है, 3 विल फ्यूज और r की वैल्यू रिक्वायर्ड सक्सेस कितनी है 3, तो 3 फ्यूज हो जाए तो r की वैल्यू होगी हमारे पास 3, तो p आ गया, क्या वो आ गया, n आ गया और r आ गया। तो अब इसके लिए हमें सोल्व करना है, नाउ यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन हम यहां पे यूज कर लेते हैं, क्या है पी एक्स इज इक्वल टू आर एन सी आर पी रेज टू पावर आर और क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर, तो हमने यूज कर लिया। अभी वैल्यूज पुट कर लिए आपको, तो x इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, दैट इज इक्वल टू n इज 5 5c3, p इज 0.05, r की वैल्यू 3 है और q इज
0.95, ये हमारे पास 5 माइनस 3, तो 5 से 3 को हम लिख सकते हैं एनसीआर, एनसीएन माइनस आर होता है 5C3। एक तो तरीका हमारे पास ये है कि हम इसको ऐसे लिख दें 5 फैक्टोरियल, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है एनसीआर, एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल। यहां पे हमारे पास ये 5, 4 और इसको 3 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, 3 फैक्टोरियल हमारे पास है ये और ये 2 × 1, 3 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो गया, इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास ये 10 मिलेगा हम यहां से। दूसरा तरीका ये है कि 5C3 को हम 5C2 लिख सकते हैं, एनसीआर, एनसीआर किसके इक्वल होता है एनसीएन माइनस आर के इक्वल होता है, तो 5C3 को 5C2 लिख सकते हैं और इसको करने का आसान तरीका होता है 2 × 1, नीचे वाला लिख ले 1 तक, तो 2 × 1 5 और ये 4, तो इसके साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहां से तो हमें कितना मिल गया, इसको 5C2 लिखे तो ये 5, 4 और ये 2, 1, ये हमारे पास 0.05 क्यूब है और 0.95 इसका स्क्वायर है, तो इससे मिला हमें 10, ये है हमारे पास 0.05 क्यूब और ये है हमारे पास 0.95 स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहां पे अगर आपके पास समय है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास समय तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं ना, नहीं तो आप इसी को यहीं पे आंसर लिख देंगे, इसमें कोई भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा, आप चाहे तो इसको यहां पे छोड़ सकते हैं, अगर आपके पास लगता है कि टाइम है कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आप इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो एक्सरसाइज 9.5 है, सॉरी 13.5 है, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन ले लिया गया है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है फाइंड दी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू i+3j+7k, ij के आर दी यूनिट वेक्टर्स ऑन वेक्टर बी, इट इज 7i-j+8k। प्यारे बच्चों अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ रखा है तो ये बेहद सिंपल क्वेश्चन है, तो यहां पे अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो हमें गिवन वेक्टर ए इज i+3j+7k, ये वेक्टर ए गिवन है, इसी तरह से वेक्टर बी जो गिवन है वो हमारे पास है 7i-j+8k, तो ये हमारे पास वेक्टर बी गिवन है। अब हमें फाइंड करना है, हम लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू a.b/magnitude of b। तो ये आपको फॉर्मूला है आपका ए वेक्टर से बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन को फाइंड करने का। अब यहां पे आप क्या करें अलग से, या फिर यहीं पे कर ले, कोई बहुत बड़ी सी कैलकुलेशन होगी नहीं होगी, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि अलग से भी कर सकते हैं, यहां करना चाहिए तो यहां पे भी कर सकते हैं। ए वेक्टर है हमारे पास i+3j+7k डॉट, बी वेक्टर है हमारे पास 7i-j+8k डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्केयर रूट ऑफ 7² + -1² माइनस जी है ना, तो -1² + k 8² इसके लिए सोल्व करेंगे। अब देखो इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका 7, तो 1 × 7 7 आ जाएगा, इसका 3, इसका -1 तो -3 आ जाएगा,
यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, 7 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो इनके कोएफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करनी है, तो 1 और 7, यहाँ पे 1 यहाँ पे 7 प्लस यहाँ पे 3 और यहाँ पे हमारे पास देखो इसके लिए 1 था इसके लिए 7 था तो ये हमने लिख दिया, इसके लिए 3 और इसके लिए -1 ये लिख दिया हमने, प्लस यहाँ पे 7 और इससे 8 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया हमारे पास 49, नेक्स्ट ये 1 और ये 64। अब यहां से हमारे पास आ गया ये 7 माइनस 3 प्लस 56, 7 माइनस 3 प्लस 56 डिवाइड बाय यहां पे हमारे पास ये हो जाएंगे 50 और 60 110, तो ये आ गया हमारे पास 114, ये मिला हमारे पास यहां से। तो अब 4 ये 60 हो जाएगा, 60 डिवाइड बाय रूट 114, 114 से अगर आप कुछ कर पाए तो, नहीं तो फिर आप इसको यहीं छोड़ दें, तो यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। यहां से अगर इसका हाफ करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 57, तो 57 से आगे नहीं, ऐसा कुछ विशेष इसमें से निकलने नहीं, हम क्या चाह रहे थे कोई ऐसा फैक्टर निकाल लेते जो परफेक्ट स्क्वायर था, मींस 4 निकल जाता तो 4 से बाहर 2 आ जाता, 9 होता तो बाहर हमारे पास कितना आ जाता 3 आ जाता, तो ऐसा कुछ नहीं निकला तो आप इसको यहीं पे छोड़ दें। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ इसी तरह का आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द लाइंस, तो लाइंस हमारे पास गिवन है एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू वाई माइनस 2 डिवाइड बाय 2k एंड जेड माइनस 3 डिवाइड बाय 2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। सेकेंड लाइन है एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 3k, वाई माइनस 1 डिवाइड बाय 1 और जेड माइनस 6 डिवाइड बाय -5। तो यहां पे इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। रिपीट करते हैं क्वेश्चन के, इसमें कहा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द लाइन एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू वाई माइनस 2 डिवाइड बाय 2k दैट इज इक्वल टू जेड माइनस 3 डिवाइड बाय 2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय -3k इक्वल टू वाई माइनस 1 डिवाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू जेड माइनस 6 डिवाइड बाय -5। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, उसने कहा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, और लैम्डा यहाँ कहीं आया ही नहीं, तो ये क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, लैम्डा नहीं है ये बात ध्यान रखोगे, k के लिए है क्वेश्चन ये। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पास। तो हम क्या लिखेंगे कि गिवन लाइन्स आर, तो ये हमारे पास लाइन्स गिवन है। अब इनको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें, अगर ये जो लाइन है लाइन 1 पासिस थ्रू पॉइंट, इस पॉइंट से 1 2 3 1 2 3 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं 3 2k और 2 3 2k और 2। तो ये हमने लिखा कि लाइन 1 पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो 3 2k एंड 2। सिमिलरली लाइन टू पासिस थ्रू पॉइंट
वन वन और सिक्स एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज माइनस थ्री के वन और माइनस फाइव। अब आप देखिए इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म लाइन वन एंड लाइन टू आर गिवन बाय, इनको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो यहां से देखो इसके लिए आर इज इक्वल टू लाइन वन के लिए ये पॉइंट है तो ये वेक्टर ए हो गया हमारे पास, ये आएगा आई प्लस टू जे प्लस थ्री के प्लस लैम्डा इनटू ये हो जाएगा थ्री आई प्लस टू के। देखो ये यूनिट वेक्टर है और ये क्या अलग है, ध्यान रखेंगे इस तरह से, ये आई जे और के तो यूनिट वेक्टर के लिए है और के उसने खुद भी दिया हुआ है, या फिर आप जहां पे भी के है वहां पे लैम्डा कर ले उसके साथ, जैसे उसने शुरू में फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा के लिए भी कह सकता है और के लिए भी कह सकता है प्लस टू के, जो स्केलर के है वो निकालना है, ये हमारे आई जे के तो यूनिट वेक्टर्स है। इसी तरह से इसको अगर थ्री मान लें, इसके लिए हमारे पास क्या बनेगा, आई प्लस जे प्लस सिक्स के प्लस, यहां लैम्डा लिखा था यहां म्यू लिख ले, यहां पे आ गया माइनस थ्री के आई प्लस जे वन, वन जे से तो जे लिख दिया माइनस फाइव के, तो ये हमारे पास फोर हो गया। अब देखो ये जो आपके पास सिंपल फॉर्म में थी यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में थी, हमने उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, तो अब यहां पे हमारा ये जो है ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है, क्योंकि टू मार्क्स के लिए क्वेश्चन है तो हम यहां सिंपली लिख सकते हैं। हम लिखेंगे कि लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ बी डॉट डी दैट इज इक्वल टू जीरो, लाइन परपेंडिकुलर होती है अगर बी डॉट डी जीरो होता है, तो ये हमारा बी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है, तो इनका डॉट कर लें, तो देखो यहां पे करते हैं थ्री आई प्लस टू के जे प्लस टू के डॉट माइनस थ्री के आई प्लस जे और माइनस फाइव के दैट इज इक्वल टू जीरो। डॉट प्रोडक्ट, यहां कोएफिशिएंट थ्री है, यहां पे कोएफिशिएंट माइनस थ्री के है, यहां पे कोएफिशिएंट टू के है और यहां पे कोएफिशिएंट वन है, प्लस यहां पे कोएफिशिएंट टू है और यहां पे कोएफिशिएंट माइनस फाइव है, दैट इज इक्वल टू जीरो। देखो ये जो के है दूसरे वाला, ये तो यूनिट वेक्टर है, इसको ध्यान रखना, इसको मत इंडिकेट इंक्लूड कर लेना इसमें, तो यहां से आगे हमारे पास माइनस नाइन के प्लस टू के और माइनस के टेन दैट इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस सेवन के रह जाएंगे ये, सेवन के माइनस टेन दैट इज टेन, माइनस सेवन के इज इक्वल टू प्लस के टेन हो जाएंगे, सेवन के इज माइनस टेन, के इज इक्वल टू माइनस टेन डिवाइड बाय सेवन, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे के की वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए, माइनस टेन डिवाइड बाय सेवन, इसके लिए जिससे कि ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। तो प्यारे बच्चों यहां पे हमारे पास जो सेक्शन वन है वो कंप्लीट हो जाता है।